लो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर। और आज आप देखने जा रहे हैं बागेश्वर बाबा जी का पार्ट टू है ये फेस ट्यूटोरियल। पिछला वीडियो मैंने डाला था, एक आउटलाइन ट्यूटोरियल डाला था, ये फेस ट्यूटोरियल है, शेडिंग दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। अच्छा, एक बात और मैं बताता चलूँ आप सभी को, कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल पेंसिल से ही आप जो है आईबॉल बनाने लगते हैं, लेकिन ये आपको क्या करना है, चारकोल पेंसिल से आपको बनानी है। कि इससे क्या है ना कि बहुत ही अच्छी रियलिस्टिक और अट्रैक्टिव जो है फ़ोटो आपकी लगती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। एक और बात है कि आप लोग क्या करते हैं, आप सीधा डार्क पेंसिल से ही बनाना शुरू कर देते हैं, पर ये गलत है। ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, ये लाइट फ़ोटो है। इसके लिए आपको HB से जो है आपको लेयर बनानी है, फिर आपको शुरू करना होगा, फिर आप 2B पेंसिल से ही पूरे फेस को बनाएंगे। अगर क्या करते हैं डार्क से बना देते हैं, फिर क्या होता है कि वो थोड़ा भद्दा भद्दा सा लगने लगता है फ़ोटो। और अगर आपके पास कोई ब्लेंडिंग के लिए टूल नहीं है तो आप ईयरबड यूज़ कर सकते हैं। इससे ना बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग होती है, स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। मैं भी बहुत दिनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। मैं कुछ दिनों बाद लाऊंगा ब्लेंडिंग स्टम्प, पर अभी के लिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और आप भी इसे ही कर सकते हैं। और एक बात और कि अगर आप सीख रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जेरोक्स पेपर पर अपनी ड्राइंग को बनाइए, उससे आपका इम्प्रूव होगा। जब आपको ज़्यादा अच्छा ड्राइंग बनाना आ जाए उसके बाद आपको वैसे पेपर पर बनाना है। तो चलिए आप देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी बनाना है, देखते रहिए। और आप भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप भी अभी बैठ जाइए बनाने के लिए। फेस तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।